अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। देसी कुकिंग फॉर द बिगनर्स में खुश आमदेद। इंशाल्लाह आज मैं आपको मीठा दही विद मैंगोज़ या मैंगो मीठा दही बनाना सिखाऊंगी। ये बहुत आसान रेसिपी है। इसको आप एक दिन पहले बना के रख दें, आपके जब घर में दावत हो आप एक दिन पहले बना के रख दें फ्रिज में, और फिर मज़े से खाएँ। और हेल्दी भी है, इसमें इतना दही डालते हैं। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने 5 कप दही लिया है, इसको थोड़ा सा फेंट लेंगे। घर का जमाया हुआ दही है, बहुत अच्छा दही है। इसमें मैंने पहले 4 कप डाले थे और ये मैंने 5वां कप डाला है। तो ये 5 कप मीठा दही है। इसके अलावा ये जो है मेरे पास स्वीट एंड कंडेंस, एक जार मेरे पास स्वीट एंड कंडेंस मिल्क है। तो आपको अगर बहुत मीठा नहीं चाहिए तो पूरा मत डालें, लेकिन अक्सर इसको पूरा ही डालना होता है, मीठा मीठा ही लगना चाहिए। तो ये आप पूरा स्वीट एंड कंडेंस मिल्क, एक जो जार है, एक जो डब्बा होता है 8 ounce का, वो पूरा डाल दीजिए। इसको आपने मिक्स किया थोड़ा सा। फिर ये मैंने 1 कप मैंगो पल्प लिया है, ये डाल दिया आपने। इसको मिक्स कर लिया। देखिए एक इसका अच्छा सा रंग आ गया। मिक्स करने के बाद इसको टेस्ट कीजिएगा। आपको अगर मीठा फीका जो भी कर लग रहा है तो उसको अपने टेस्ट के लिहाज से कर लीजिएगा। अगर मुझे लगेगा कि इसमें और मैंगो पल्प डलेगा, अगर आपको और मीठा करना है तो और मैंगो पल्प डालेगा। मैं इसको टेस्ट कर लूँ कैसा बना है। बहुत मज़े का है। थोड़ा मीठा और डाल सकते हैं, लेकिन जो है ये बिल्कुल सही है ना, बैलेंस है। जैसे जो नॉर्मल मीठा जिन लोगों को पसंद है, लेकिन अगर आप चाहें तो उसमें 1/2 कप और डाल सकते हैं मोर मीठा बनाने के लिए। तो मैं थोड़ा सा 1/2 कप तो नहीं, 1/4 कप में इसमें और डाल देते हैं। तकरीबन 1/4 कप है ये, मैंने और डाल दिया। चाहें तो आप इसको, अब मैं इसको बस मैंने ओवन गर्म कर दिया 350 फ़ारेनहाइट पे। फिर उसको मैंने बंद कर दिया चूल्हा, ओवन को बंद कर दिया ना, गर्म करके ओवन को बंद कर दिया है। अब इसके अंदर मैं ये मैंगोज़ डाल दूँगी। थोड़े से अभी डाल सकते हैं और आप थोड़े से बाद में डाल सकती हैं जब इसको आप सर्व करने लगें, ताकि ऊपर डेकोरेट कर दें। तो मैं थोड़े से अभी डाल देती हूँ और थोड़े से मैं बाद में बारीक बारीक काट के ऊपर से डाल दूँगी। तो बस ये हमारा तैयार है, इसको मैं ओवन में डाल दूँगी। ये मैं सारे डाल देती हूँ, बाद के लिए मैं एक और ऊपर से काट लूँगी। तो ये देखें, ये डाल दूँगी, अब मैं इसको ओवन में डाल दूँगी। और ये जो है, और सुबह जब मैं, अभी मैं सोने जा रही हूँ, सुबह जब मैं उठूँगी फजर के लिए, सबसे पहले मैं इसको निकाल के फ्रिज में रख दूँगी और कवर करके। बहुत ही मज़े का बनाए। और मैं इसको अगर चाहें तो, अगर आपको इलायची की खुशबू पसंद है तो डाल दें, लेकिन इसमें मैंगो के साथ इलायची इतनी अच्छी नहीं समझ आती ना। तो अब मैं इसको देख लीजिए आप, मैं इसको रख दूँगी ओवन में। और आज की ये अच्छी बात मैं आपको बताना चाह रही थी कि जब मीठा बनाएं तो उसको ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, दोस्तों को भेजें, दोस्तों को बुलाएं, और फिर अब उनकी कंपनी इंजॉय करें। जो वक्त अल्लाह ताला ने आपको दिया है वो नेमत है, उस नेमत को दूसरों को भी बाँटें और अपने साथ भी इसको अच्छे से लेके चले इंशाल्लाह। तो फिर मैं आपको बाद में इसको ओवन में डाल के दिखाती हूँ, ठीक है।